वेलकम बैक। टुडे वी आर ट्राइंग टू राइटिंग वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफी ऑफ मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड बेस्ट हैंड राइटिंग, सो प्लीज वॉच फुल वीडियो। हम एक्सप्लेन करेंगे आज नवाज भाई के फिल्मी कुछ कैरेक्टर्स को। सो प्लीज, आपने क्या वो लतीफ मूवी देखी? नवाज की जो आई थी, ये देखी होगी, बहुत कम लोग देखे। इसमें उन्होंने मुंबई के जो लोकल लोग होते हैं, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह, उनको गर्दुल्ले वगैरह कहते हैं। तो उन्होंने उस मूवी में वो गर्दुल्ले का रोल प्ले किया है। उसमें होता क्या है, असल में ये डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं, और फिर ये मतलब लास्ट सेमेस्टर जब इनका होता है तो इन्हीं कारणों से मतलब फीस नहीं जमा कर पाते हैं, और नहीं फीस नहीं जमा कर पाते हो इनके दोस्तों के संग जाते हैं, ये दोस्त इन्हें फंसा देते हैं, तो ये चले जाते हैं पुलिस स्टेशन, और पुलिस में कंप्लेन इनकी हो जाती है, कहते बहुत कुछ है मगर इनको बंद करते, उसी तरीके वहीं से उनका खराब हो जाता है करेक्टर, और फिर वो बहुत ही शानदार मूवी। इसमें आप देखेंगे तो कैसा संघर्ष होता है, जरा सी गलती का वो उसमें दिखाया गया है। और दूसरी मूवी है तलाश, देखी आपने? आप आमिर खान और करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने तलाश मूवी क्या है, जो करीना कपूर हैं वो बनी है एक मतलब वैसा बनी है, और फिर उनको कुछ लोग हायर करके ले जाते हैं, तो रास्ते में वो अधिक मतलब अधिक रफ्तार होने की वजह से वो गिर जाते हैं, और फिर उनकी डेथ हो जाती है, फिर वो एक भूतनी बन जाती है। और इंस्पेक्टर बने हैं आमिर खान, तो वो सिर्फ उनको ही दिखाई देते हैं उसमें वो, और उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी पैसों के लिए मतलब बहुत एक आदमी डेट हो जाती है, और उसको पैसे ले करके बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी। उसमें नवाज की जो एक्टिंग है बहुत ही गजब की एक्टिंग है, आप उसको देखेंगे तो पूरी मूवी जैसे आपको बांधेगा, आप हट ही नहीं, पूरी बिना मूवी देखे हुए आप उठेंगे भी नहीं। एंड वो सबके फेवरेट, आपने देखा गैंग्स ऑफ वासेपुर, बिल्कुल देहात गांव के जैसी मूवी, परफेक्ट, देखा गजब की मूवी। उसमें वो एक फेवरेट डायलॉग है लोगों को, वो जो कहते हैं, लेकिन अच्छी है। उसमें इसमें इन्होंने एक साइको लगभग सनकी का किरदार अदा किया, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, मुझे तो पसंद है, आप लोगों को कैसे। एंड हाँ, वो मूवी कौन भूल सकता है, दशरथ मांझी, देखिए आपने उन लोगों ने जरूर देखी होगी, बहुत ही गजब की एक्टिंग। वो क्या होता है, गांव में जो चूहे पकड़ने वाले होते हैं वो सबसे मतलब गाँव में सिस्टम होता है, अभी भी है इंडिया में कहीं कहीं कि जात पात वाला सिस्टम, लोगों मतलब नीचे जाते हैं और ऊँची जाते हैं, तो जो चूहे पकड़ने वाले होते हैं वो लोनिया जात के होते हैं, मतलब बहुत नीची जात समझा जाता है उनको। तो उनका उनके लड़के बने हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ ये मुखिया के जो होते हैं वो ठाकुर होते हैं, उनके पैसे लेकर के चले जाते हैं, फिर आते हैं कुछ समय बाद, दो चार पाँच साल बाद, तो एक चश्मा लगाए होते हैं, चश्मा लगाए हुआ होता है काला, और जाकर मुखिया के निकल जाते हैं, गले लग जाते हैं, कहते हैं मुखिया जी गुड मॉर्निंग, तो मुखिया जी गंभीर मुद्रा में कहते हैं बेटा हमने पहचाना नहीं आपको, कौन है आप, तो ये अपना परिचय देते हैं, बस इतने मुखिया के पास चल देते हैं, और वो इन्हें पीटने लगता है, और वो इनको फौर फाड़ देता है। जब ये अपने दोस्त से मिलते हैं तो कहते हैं क्या हुआ, तो दूसरा बोलता है जाके जाके मुखिया के गले लिपट गया, फिर यहीं से वो हीरोइन जो होती है उनसे अफेयर वगैरह होकर के और शादी वगैरह होकर फिर उनकी डेथ हो जाती है, और फिर वो इसीलिए दशरथ मांझी वो पहाड़ जो जिस रास्ता ना मिलने के कारण दे दो, इसीलिए वो पूरा पहाड़ तोड़ देते हैं। मुझे भरोसा, अगर आप लोग फिल्म देखेंगे तो आप लोगों को पसंद जरूर आएंगे, और मैं ये भी भरोसा कर सकता हूँ आप लोगों को वीडियो आप लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट करने में बहुत खुश होता है। ठीक है।